किस कदर मुश्किल दिन था आज का। खैर, तमाम हुआ। कभी कभी थकन बेतहाशा बढ़ जाती है, यूं लगता है कि जैसे चलते चलते गिर पड़ूंगा। आज डायरी भी तो लिखनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। आज बड़ी अजीब सी बात हुई है। आज अखबार में एक खबर थी कि एक बहुत बड़े चोर को पकड़ लिया गया है। मैंने ये खबर पढ़ी तो हंसने लगा। लोग मुझसे पूछने लगे, अरे साहेब हुआ क्या है, क्यों हंसते हो? अब उन्हें क्या बताता मैं कि मैं क्यों हंस रहा था। हम भी अजीब हैं, हमेशा बड़ी चोरियों की बात करते हैं, बड़े चोरों की बात करते हैं। हालांकि हम खुद छोटे छोटे चोर हैं, चोर हैं सोचने के मामले में। चोर हैं समझने के मामले में, चोर हैं बात करने के मामले में। नहीं समझे, समझाए देता हूं। जहां सोचना होता है वहां सोच की चोरी कर जाते हैं, जहां बोलना होता है वहां बयान की चोरी कर जाते हैं, जहां समझना होता है वहां समझ से पर्दा कर लेते हैं। जिस तरफ नजर दौड़ाओ बस एक साल में हर शख्स बड़े बड़े चोरों की बात करता है। लेकिन अपने गिरेबान में झांक के कोई नहीं देख रहा। मुझे याद है बहुत पहले मैंने पढ़ा था, हक़ तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, जायजा लेते रहो अपने गिरेबानों का। और हम अपने ही गिरेबान नहीं देख पाते। कहीं हम बिजली की चोरी करते हैं तो कहीं छोटी करप्शन में आगे आगे होते। कहीं हम अकरबा परवरी का रोना रोते हैं लेकिन वो पहला मौका जहां हम अपने फर्ज से कोताही कर सकें, जरा से बेईमान हो सके, वो हाथ से जाने नहीं देते। हमेशा कंप्लेन करते कि झूठ बहुत बोला जाता है, लेकिन हम खुद अक्सर औकात सच की चोरी कर जाते हैं। हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा हमें समझेगा, दूसरा हमें टॉलरेट करेगा, लेकिन फिर दूसरों को समझने से कासिर रहते हैं। हम हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि इस मुल्क को बड़े बड़े चोरों ने लूट लिया, बड़े बड़े डाकू लुटेरे थे जो इस मुल्क को लूट के चले गए। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है
कि हमारी ये छोटी छोटी चोरियां सोच की, जबान की, समझ की, बयान की, क्या हमारी ये छोटी छोटी चोरियां मुल्क पे असरअंदाज नहीं होती? यकीनन होती हैं, लेकिन मैंने कहा ना, अब किसे इतनी फुर्सत कि जरा देर भी रुक के समझ सके कुछ। हम सब जरा जरा से चोर हैं। मैं अपनी डायरी यहां खत्म करता हूं। कल एक और दिन है, एक नया मौजू है, एक नई सोच। बस ये दिन तमाम हो।